तो बच्चों आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के बेस पे मैं करवाऊंगी, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं बताती हूँ कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को अपने क्या बोलते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई भी वस्तु होती है वो अपने खरीदते हैं, यानी खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, बेचना, यानी कोई वस्तु अपने कितने में बेच रहे हैं और कितने में खरीद रहे हैं वो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कहलाते हैं। अब अपने को होता है लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। अब मान लो मैंने एक पेन है वो 5 रुपए में खरीदा, ठीक है, मैंने खरीदा, इसका मतलब मैंने उसको क्रय कितने में किया, 5 रुपए में किया। मान लो उस पेन को मैंने कितने में किया, 5 रुपए में मैंने किया, यानी ये इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, उसी पेन को मैंने 7 रुपए में किसी को बेच दिया, यानी मैंने विक्रय किया। ठीक है, अब देखो मैंने 5 में तो खरीदा और मैंने बेचा कितने में, 7 में खरीदा, तो मेरे को कितने रुपए का फायदा हुआ, 2 रुपए का फायदा हुआ। इसका मतलब मुझे 2 रुपए लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर मैंने मान लो 5 में बेच दिया, 5 में खरीदा और 3 में बेच दिया, तो मुझे 2 रुपए के क्या हुआ, घाटा हुआ। तो इसका मतलब मुझे 2 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। इसी बेस पे अपने जो ये क्वेश्चन है वो करते हैं, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत वो अलग होती है, उसको अपने कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लो ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, एक पंखे का क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपए, यानी पंखे का क्रय मूल्य कितना है, अपने का क्रय मूल्य है अपना 700 रुपए, और पंखे का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, जो विक्रय मूल्य है वो अपने को कितना दिया हुआ है, 850 रुपए। यानी एक पंखे को मैंने 700 रुपए में खरीदा और 850 में मैंने उसको बेच दिया, मुझे लाभ हुई हानि हुई, मुझे हुआ लाभ। तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यानी जो आप अपने लाभ निकालते हैं वो लाभ होता है विक्रय में से क्रय मूल्य घटाते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 850 रुपए, क्रय मूल्य कितना था, 700 रुपए, यानी मुझे कितने रुपए की प्राप्त हुआ, यानी लाभ कितना रुपए हुआ मुझे, 150 रुपए का मुझे लाभ हुआ। ठीक है, ये होता है लाभ, सिंपल सा। अगर मेरे को इसी क्वेश्चन में अगर ज्ञात करना हो लाभ प्रतिशत, ठीक है, अब लाभ लाभ हुआ तो क्वेश्चन ने दे दिया कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ प्रतिशत होता है, लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन जो भी लाभ और हानि निकलेगी वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगी, तो बटे में हमेशा ही क्रय मूल्य आएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, 100, अगर प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, और प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब देखो विक्रय मूल्य कितना था, 850 था, क्रय मूल्य कितना था, 700 था, और क्रय मूल्य कितना है, 700, ये इससे कट गया, ये कट गया 2 से, यहाँ पे कितना हुआ, 150/7, तो ये गया 7 × 2 = 14, 1 = 7 = 7, और 3 × 7 = 28, मतलब 21.4% मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ। वो तो था सिंपल लाभ हुआ 150 रुपए, लेकिन अगर प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत 21.4। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें अपने ने लाभ ज्ञात किया था, लाभ ज्ञात करना और लाभ प्रतिशत। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक पंखे का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी अपने को जो क्या चीज दी हुई है, पंखे का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना रुपए दिया हुआ है, 800 रुपए, यानी उस पंखे को उसने कितने रुपए में बेचा, 800 रुपए में, तो उसे कितना लाभ हुआ, जब उसने 800 रुपए में कोई भी बेचा तो उसे 90 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करनी है, क्रय मूल्य, जो चीज अपने को ज्ञात करनी है उसको अपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। फॉर्मूला अपने को याद है, यानी लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य, यानी यहाँ पे लाभ दिया, इसका मतलब लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब लाभ कितना दिया हुआ है, 90, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 800 रुपए, तो क्रय मूल्य यानी एक्स है, एक्स उधर आ जाएगा, क्योंकि मान जो भी मान ज्ञात करते हैं वो हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो ये माइनस इधर आके प्लस, यहाँ पे 800 बचा और ये माइनस में चल जाएगा, तो कितना हुआ, 710 रुपए, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 700, यानी उस वस्तु को उसने 710 रुपए में खरीदा, 800 रुपए में उसने बेचा, तो उसे 90 रुपए का क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। ये मतलब मैंने सेकंड दो टाइप के क्वेश्चन करवाए, अब आगे जो वाला करेंगे वो अपने तीसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब जो अपने क्वेश्चन लेके हैं वो लेके हैं तीसरे टाइप का। क्वेश्चन में कहा एक गीजर का विक्रय मूल्य दिया हुआ, यानी अपने को क्या चीज दी हुई है, विक्रय मूल्य, जो चीज दी हुई है वह यहाँ पे अपने शो कर लेते हैं, कितने दिए हैं, 500 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, तथा उस पर 20% लाभ हुआ, यानी लाभ क्या हुआ अपने को, 20% हुआ है,
सिंपल होता है तो अपने सिंपल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब दे दिया परसेंटेज में। और गीजर का अपने को क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य जो चीज ज्ञात करनी है उसको अपने नेक्स्ट मान लिया। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया था, लाभ प्रतिशत इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इनटू 100। ये होता है लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ अपने को 25, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 500, क्रय मूल्य मैंने क्या माना x बटे x इनटू 100। अब ये x है इसके आगे गुना करके कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा 25x, और ये इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50,000 माइनस कितने हो गए 100x। ये 100x इधर आएगा प्लस में तो 100, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे करवा देते, ये 100x इधर आएगा तो कितने हो गए 125x इक्वल टू ये हो जाएगा 50,000। तो x इक्वल टू कितना हुआ 50,000 बटे 125। जब अपने इसको भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, अगर मैं 5 से काटूं तो ये हो जाएगा 10,000 बटे 25, ये कट गया अपना, ठीक है 400। तो यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 400, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, विक्रय मूल्य 500 है, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ 25%। ठीक है, तो ये था आपने लाभ और हानि में तीन टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन कराती हूँ। इसके आगे अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको समय समय पे मेरे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। थैंक यू।